आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने छोड़ी खाकी, अब खादी पहन करेंगे जनता की सेवा, हुए जदयू में शामिल। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू का दामन थाम लिया है और वह पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर पूर्व डीजीपी ने नीतीश कुमार के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, पार्टी के नए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और सांसद राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है जिसमें तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म था। इससे पहले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कल ही सीएम नीतीश कुमार से पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की थी। उसके बाद ही लगभग ये तय हो गया था कि वे जेडीयू का दामन थामने जा रहे हैं। गौरतलब है कि आज सुबह से ही इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज विधिवत रूप से जदयू का दामन थाम लेंगे। गुप्तेश्वर पांडे को जदयू सांसद ललन सिंह और पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी सदस्यता दिलाए, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू की यह सदस्यता पार्टी कार्यालय में नहीं लेकर सीएम आवास पर नीतीश कुमार के समक्ष ग्रहण की। गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी ने राजनीति में आकर चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। राजनीति में आने व वीआरएस लेने से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह राजनीति में आएंगे और उन्होंने एक बार मीडिया के सवालों पर कहा था कि राजनीति में आना पाप है क्या। फिर क्या था, इस बात अंदाज़ा लग गया कि डीजीपी की राजनीति में एंट्री होगी और हो ही गई। उन्होंने कहा था कि इसकी घोषणा बाद में करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे। आज जदयू में शामिल भी हो गए हैं। एक बात और साफ होने को है कि वह बक्सर या बक्सर के आसपास की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गुप्तेश्वर पांडे जी जहां भी 15 वर्षों के शासनकाल में देखो भाई फ्रेंड सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहाँ गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और गुप्तेश्वर पांडे जी सक्षम पदाधिकारी टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से हृदय से जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं और इनको भरोसा दिलाते हैं। आपके जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, आपके आधुनिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूँ। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। ये मेरा फैसला नहीं है, मैं अब दल का अनुशासित सिपाही हूँ। दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा, उसके आदेश का ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता, ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। ये मेरा फैसला नहीं है, मैं अब दल का अनुशासित सिपाही हूँ। दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा, उसके आदेश का ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता।